हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम पे मोनिटाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एक नहीं तीन तरीका बताने वाले हैं। और यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम आपको प्रूफ बताते हैं, उसके लिए हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हमने इस अकाउंट पे तीन मोनिटाइजेशन इनेबल करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक भी रील्स पोस्ट नहीं किए हैं, यहाँ पे आपको तीनों पोस्ट ही देखने को मिलेगा। अब हम आपको जो इनेबल किए हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट के थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला हम गिफ्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मेरा अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम रील्स पोस्ट करते नहीं है तो यहाँ पे ये बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप अपने अकाउंट पे रील्स पोस्ट करते हैं, भले ही आपके अकाउंट पे 100 फॉलोवर्स है या 200 फॉलोवर्स है या 200 व्यू आता है या 300 व्यू आता है आपके रील्स पे, उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा आपके अकाउंट में ये ऑप्शन इनेबल रहना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला प्रूफ। अब हम आपको दूसरा प्रूफ बताते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे दूसरा सब्सक्रिप्शन, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे हम इसको इनेबल करके नहीं रखे हुए हैं और अभी हम इस वीडियो में इसको इनेबल करेंगे। और इसी के साथ आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा प्रूफ। अब हम आपको तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ बताते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऐड पेमेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पूरा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वो पेमेंट ऐड होगा जो आपके अकाउंट पे ऐड आता है। तो यहाँ पे हम रील्स पोस्ट करते नहीं है तो यहाँ पे मुझे पेमेंट भी नहीं बढ़ा है। तो ये तो यहाँ पे प्रूफ आपको देखने को मिल गया होगा। अब हम आपको शुरू से पूरा स्टेप बताने के लिए हम अभी एक न्यू अकाउंट पे प्रोसेस करेंगे ताकि आपको पूरा से समझ में आ सके, क्योंकि हमने इस अकाउंट पे ऑलरेडी इनेबल किए हुए हैं। तो इस अकाउंट पे हम प्रोसेस बताएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा सेटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम उस अकाउंट पे आ जाते हैं जिसपे हम प्रोसेस करने वाले हैं और मोनिटाइजेशन इनेबल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक न्यू अकाउंट पे आ गए हैं। यहाँ पे इस अकाउंट के 0 फॉलोवर्स भी देखने को मिलता होगा। यहाँ पे आ जाने के बाद अभी हम जो स्टेप बताने वाले हैं और जो सेटिंग करने वाले हैं और जो सेटिंग को चेक करने वाले हैं, सेम आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में वो भी सेटिंग को चेक करना है ताकि आपको पूरा स्टेप कंप्लीट हो पाए और आप अपना मोनिटाइजेशन को इनेबल कर पाए। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर लेना है, वो भी सही तरीका से। अगर आप पहले से किए हुए हैं तो उसको आपको हटा लेना है और अभी हम जिस तरह से कन्वर्ट करेंगे सेम आपको उसी तरह से प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए अकाउंट के थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट में सबसे पहले इस तरह से आपको सेटिंग देखने को मिलेगा और इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स, यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल सा ये ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दो तीन ऑप्शन यहाँ पे कंटिन्यू करने का आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद मेन यहाँ पे मिस्टेक बहुत सारे यूजर यहाँ पे कर देते हैं, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू के जगह पे यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने अकाउंट पे किस तरह का रील्स पोस्ट करते हैं, वो कैटेगरी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट पे म्यूजिक पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे म्यूजिशियन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर है तो यहाँ पे ब्लॉगर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सजेशन देंगे कि अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं, मतलब कि आपका फेस रहता है उस पर आप किसी म्यूजिक पे डांस करते हैं या किसी कॉमेडी पे एक्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा डिजिटल क्रिएटर को आपको सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप अपना वॉयस को ऐड करके वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वीडियो क्रिएटर का, यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अपना वॉयस रहेगा तो यहाँ पे आपको वीडियो क्रिएटर को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी म्यूजिक या किसी कॉमेडी पे एक्टिंग करते हैं तब आपको यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर को सेलेक्ट करना है। और इतना करने के बाद आपको नीचे डन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएटर और बिजनेस। तो यहाँ पे आपको क्रिएटर पे ही सेलेक्ट करके रखना है और इतना करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक और पेज इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा नीचे ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कुछ और स्टेप यहाँ पे आएगा, सिंपल सा नीचे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद मेन स्टेप यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हम यही बताएंगे कि अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है और उस पे ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो इसको कंप्लीट करना काफी ईजी है। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यही बोला जाएगा कि अगर आप किसी अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई फेवरेट क्रिएटर होगा या आपका कोई फेवरेट एक्टर होगा वो अकाउंट यहाँ पे आपको सजेशन में देगा, अगर आप उसको फॉलो करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा ऊपर सही टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप करने के लिए सिंपल सा दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर आप अपने अकाउंट को किसी को शेयर करना चाहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ही किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं या किसी ईमेल या मैसेज में शेयर करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते, या व्हाट्सएप या फेसबुक में करना चाहते हैं तो नीचे आपको इन्वाइट फ्रेंड्स बाय का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही नीचे आपको व्हाट्सएप और फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप
आपको किसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद ऊपर आपको सही टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही दूसरा स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेप को कंप्लीट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे किसी पोस्ट को शेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो सिंपल से आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है और एग्जाम्पल के लिए कोई फोटो या वीडियो को पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम एक फोटो को सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद हम ऊपर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ये पोस्ट को शेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पे हम शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ये स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पोस्ट को क्रिएट कर देने के बाद अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं हटता है तो इसको आपको छोड़ देना है, ऑटोमेटिक कुछ देर में हट जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट में फीचर ऐड होगा वो फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको ऊपर सही टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि चार स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसी तरह से अगले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी दो ऑप्शन को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम रिच को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद एक और ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके नीचे आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पांच स्टेप आपको कंप्लीट हो गया, और इतना करने के बाद एक और नीचे ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सिंपल सा नीचे बूस्ट योर पोस्ट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इतना क्लिक करने के बाद आपको ऊपर कट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं हटा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। जैसे आप शुरू में देखे होंगे यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन आता होगा। तो आपको इतना स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ से आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद अपने अकाउंट को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मेरा अकाउंट कन्वर्ट हो गया है। और ये स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको अगला स्टेप में कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन कॉपीराइट स्ट्राइक को चेक करना होता है, क्योंकि आपके अकाउंट पे कोई भी कॉपीराइट या स्ट्राइक आएगा तो उसके बाद आप अपने अकाउंट को कभी भी मोनिटाइज नहीं कर पाएंगे या कभी भी गिफ्ट ऑप्शन को इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहले ही देख लेना आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे ये सब देखने के लिए आपको अपने अकाउंट के थ्री डॉट पे ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है, और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलेगा मोर इन्फो एंड सपोर्ट, इसमें आपको सबसे पहला अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपके फोन में इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जितना जो ये ग्रीन टिक लगा हुआ है ये है जो आपके इंस्टाग्राम में ग्रीन टिक लगा हुआ रहना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ग्रीन टिक नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देखकर इस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अब आपको इसी में हेल्प का एक और ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दो ऑप्शन को चेक करना है। सबसे पहले वायलेंस का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट पे जितने भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई भी आप काम किए होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देख लेने के बाद आपको यहाँ से भी बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको इसी के नीचे मोनिटाइजेशन सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपके फोन में इस तरह से ऑप्शन रहना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इतना यहाँ पे चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अब आपको किसी भी सेटिंग को चेक नहीं करना है। तो इतना यहाँ पे चेक कर लेने के बाद अपने अकाउंट को रिफ्रेश कर देना है, और रिफ्रेश करने के बाद आपको फिर से इंस्टाग्राम में ही आना है। और यहाँ पे आने के बाद अब आपको मोनिटाइजेशन ऑप्शन इनेबल देखने के लिए अपने अकाउंट के थ्री डॉट पे क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, मतलब कि एक गिफ्ट का और एक सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन अभी मिला है एड पेमेंट्स का, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, मतलब कि आपने जो रिक्वेस्ट अभी किए हैं वो है जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी तरह से आपके भी फोन में ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप 24 से 48 घंटा वेट करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन में गिफ्ट और सब्सक्रिप्शन दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, इसलिए गिफ्ट ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन और ऐड पेमेंट को कैसे इनेबल करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको इनेबल करने का पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल PRP Tech को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।